Evening to all. Myself Poonam Jayas, Assistant Professor of Pharmacology. First of all, a very happy Teacher's Day to all. In this lecture, we will discuss about the drug safe or unsafe during pregnancy. कौन सी मेडिसिन, कौन सी ड्रग प्रेगनेंसी के दौरान सेफ रहेंगी प्रेग्नेंट लेडी के लिए और कौन सी मेडिसिन जो कि प्रेगनेंसी के दौरान कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है और अनसेफ है एक प्रेग्नेंट वुमेन के लिए। अब आप डिस्कस करते हैं ड्रग सेफ फॉर ट्रीटमेंट ऑफ हाइपरटेंशन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। क्या है, हमें क्यों नीड है ड्रग सेफ्टी पढ़ने के लिए और अनसेफ पढ़ने के लिए। अब क्या होता है टीराटोजेनेसिटी वर्ड, आप डिस्कस करते हैं इसके बारे में। टीराटोजेनेसिटी क्या होती है कि कुछ केमिकल कंपाउंड, कोई ड्रग, कोई मेडिसिन जो कि फिटस होता है, एम्ब्रो है वुमेन के अंदर जो कि प्रेग्नेंट लेडी है उसके अंदर, जब अगर कोई प्रेग्नेंट लेडी कोई ड्रग ले रही है, कोई मेडिसिन ले रही है, कोई केमिकल एजेंट उसने लिया है, उसकी वजह से अगर उसका फिटस, उसका एम्ब्रो पे भी कोई हार्मफुल इफेक्ट आते हैं तो उन ड्रग्स को हम बोलते हैं ट्रैटोजेनिक या ट्रैटोजेनिक कॉजिंग ड्रग या एजेंट्स। ठीक है, ऐसे केमिकल एजेंट्स जो कि फिटस के हार्मफुल इफेक्ट्स कॉज करेंगे, उनमें कोई ना कोई अबनॉर्मलिटी कॉज करेंगे तो उसको हम बोलेंगे टीराटोजेनिक ड्रग। सच एज की ब्रेन, उसका ब्रेन में डिसरप्शन हो सकती है, उसके स्पाइनल कॉर्ड में प्रॉब्लम हो सकती है, न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट हो सकता है, फोकल इंडिया हो सकता है, ग्रे बेबी सिंड्रोम है जैसे, तो बहुत सारे ड्रग्स है जिनकी फिटस के ऊपर अबनॉर्मल इफेक्ट्स देखे गए, इसलिए आप उन फिटस को, एम्ब्रो को, इन जो प्रॉब्लम्स है ड्रग की वजह से फिटस में, उसको प्रिवेंट करने के लिए हमें ड्रग पता होनी चाहिए कि प्रेग्नेंट लेडी के लिए कौन सी ड्रग सेफ है और कौन सी अनसेफ है। कुछ ड्रग मिसकैरेज भी कॉज कर सकती है, इस वजह से हमें इनकी नॉलेज होना जरूरी है। तो सबसे पहले अगर प्रेग्नेंट लेडी को हाइपरटेंशन है, उसको क्या हुआ, बीपी हाइपर हुआ है, तो उस कंडीशन में उसको कौन सी मेडिसिन लेनी होती है, इसको हम याद करते हैं इम्यूनॉमिक्स की तरह। देखो, बेटर मदर केयर ड्यूरिंग हाइपरटेंशन प्रेगनेंसी, बेटर मदर केयर ड्यूरिंग हाइपरटेंसिव प्रेगनेंसी, ये जीपेट के व्यू से भी काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब देखो बेटर से क्या है, कौन सी ड्रग आती है, बीटा वन ब्लॉकर कौन सी है, कार्डियो सेलेक्टिव ड्रग्स है जो कि हार्ट पे प्रेजेंट है। बीटा वन रिसेप्टर कहाँ है, हार्ट पे है, तो ऐसी ड्रग जो स्पेसिफिक बीटा वन को ही ब्लॉक करेगी वो होगी बीटा वन ब्लॉकर। और लैबिटालोल, जैसे कि इसमें एटेनोलोल है आपकी, ये आप ड्रग बीटा वन ब्लॉकर में दे सकते हैं। उसके बाद मदर, इससे क्या है, मिथाइल डोपा आपको याद रखना है। मिथाइल डोपा कौन सी है, ड्रग ऑफ चॉइस है फॉर हाइपरटेंसिव इन प्रेगनेंसी। उसके बाद सी से क्लोनिडिन, क्लोनिडिन कौन सी ड्रग आपकी, ये भी अल्फा की ड्रग है आपकी, उसके अंदर ड्यूरिंग क्या है, इसमें डाइहाइड्रोपाइरिमिडिन सस्टेन्ड रिलीज। हाँ जी, ये बात करते हैं हम क्लोनिडिन की, क्लोनिडिन कौन सी है, अल्फा टू की हमारी एगोनिस्ट ड्रग है। ऐसे ही डी से है डाइहाइड्रोपाइरिमिडिन सस्टेन्ड रिलीज, साथ में डाइहाइड्रोपाइरिमिडिन दे सकते हैं और सस्टेन्ड रिलीज नीफेडिपिन। ठीक है, उसके बाद आपकी एक ऐसी चैनल ब्लॉकर है नीफेडिपिन और डाइहाइड्रोपाइरिमिडिन। उसके बाद हाइपरटेंसिव में हाइड्रलाजिन दे सकते हैं और पी से प्राजोसिन जो कि अल्फा के ब्लॉकर्स ड्रग है, अल्फा वन प्राजोसिन, टेराजोसिन, डॉक्साजोसिन वगैरह है। ठीक है, ये कौन सी ड्रग्स है जो कि ड्यूरिंग हाइपरटेंसिव आप एक प्रेग्नेंट लेडी को ड्रग्स दे सकते हैं। उसके बाद एंटी एमेटिक वो ड्रग है जो कि वॉमिटिंग, नोजिया, डिजीनेस को कंट्रोल करने के लिए आप यूज करते हो। एक प्रेग्नेंट लेडी को मोशन सिकनेस की प्रॉब्लम रहती है, उसको वॉमिटिंग जैसी फीलिंग रहती है, नोजिया की फीलिंग होती है, तो उसके लिए कौन सी ड्रग दी जाती है, डॉक्सिलामिन, ये सेफ ड्रग है, एंड मेटोक्लोप्रोमाइड, ये वॉमिटिंग की प्रिवेंशन के लिए यूज होती है। अनसेफ ड्रग है डोमपेरिडोन। देखो, ये जो क्रॉस का मार्क किया है ये क्या है, कॉन्ट्रा इंडिकेटेड की कम्प्लीटली ये ड्रग आप एक प्रेग्नेंट लेडी को नहीं दे सकते, डोमपेरिडोन। उसके बाद है एंटी डायबिटिक मतलब जिस वुमेन को डायबिटीज भी है प्रेगनेंसी के साथ, तो उसके अंदर इंसुलिन थेरेपी दी जाती है, सेफ रहती है।
उसके बाद लैक्जेटिव आते हैं। लैक्जेटिव कौन सी होती है, जो कि कॉन्स्टिपेशन के ट्रीटमेंट के लिए यूज करते हैं। आयरन टैबलेट्स जो प्रेग्नेंट लेडी है उनको फोलिक एसिड आयरन टैबलेट्स दी जाती है, जिसकी वजह से उनको कॉन्स्टिपेशन आयरन साइड इफेक्ट्स होता है। तो उस कंडीशन में नॉर्मली भी अगर प्रेग्नेंट लेडी को कॉन्स्टिपेशन की कंडीशन है, तो उस कंडीशन में जो सेफ ड्रग है वो है लैक्टुलोज एंड इसबगुला। ये सेफ ड्रग है आयरन लैक्जेटिव, और अनसेफ है सेना एंड बिसाकोडाइल, ये अनसेफ ड्रग है। उसके बाद अनाल्जेसिक कैटेगरी के ड्रग, अनाल्जेसिक कौन सी होगी, जो कि पेन रिड्यूसिंग होगी, अनाल्जेसिक होगी, एंटीपायरेटिक है और एंटी इंफ्लामेटरी ड्रग्स है। तो सेफ में कौन सी है, पीसीएम, पीसीएम में कौन सी है, अनाल्जेसिक, एंटीपायरेटिक और एंटी इंफ्लामेटरी। अनाल्जेसिक वो ड्रग्स होती है जो कि पेन रिडक्शन के लिए यूज की जाती है, एंटीपायरेटिक होती है जो फीवर रिड्यूस करती है, एंटी इंफ्लामेटरी ड्रग्स जो कि इंफ्लामेशन को रिड्यूस करेंगी। तो इनमें सेफ ड्रग है पीसीएम, सबको पता है पैरासिटामोल, अनसेफ ड्रग है एस्प्रिन, नसेस ड्रग, कॉक्स टू इनहिबिटर एंड कोलिन। ये ड्रग कौन सी अनसेफ ड्रग है जो कि आप प्रेग्नेंट लेडी को नहीं दे सकते। उसके बाद ड्रग फॉर यूटीआई इन्फेक्शन, यूटीआई क्या होता है, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। ये कॉमनली आप प्रेग्नेंट लेडी के अंदर ये इन्फेक्शन देखेंगे, वैसे ही जनरली किसी को भी हो सकता है, मेल एंड फीमेल को यूटीआई इन्फेक्शन, बट ज्यादातर प्रेग्नेंट लेडी के केस में यूटीआई इन्फेक्शन आपको देखने को मिलेगा। यूटीआई यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, इसमें क्या होता है, पेशेंट को बार बार फ्रीक्वेंट यूरिनेशन होती है, इचिंग होती है, बर्निंग सेंसेशन होती है, और ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन भी जैसे हो सकता है, फंगल इन्फेक्शन की वजह से हो सकता है। तो इसमें हम बैक्टीरियल ड्रग कौन सी एंटीबायोटिक ड्रग देंगे जो सेफ है, एम्पीसिलिन, अमोक्सिसिलिन, पेनिसिलिन। ये वाली ड्रग एम्पीसिलिन जूम कर सकते हैं, एम्पीसिलिन, अमोक्सिसिलिन, पेनिसिलिन, ये सेफ ड्रग है फॉर यूटीआई इन्फेक्शन। अनसेफ ड्रग जो कि वैसे ये ड्रग यूज होती है एज एन यूटीआई इन्फेक्शन ट्रीटमेंट, बट इन केस ऑफ प्रेगनेंसी दीज ड्रग्स आर कॉन्ट्रा इंडिकेटेड। सल्फामिथॉक्साजोल, कोट्रिमोक्साजोल, टेट्रासाइक्लिन एंड फ्लूरोक्विनोलिन्स, क्योंकि ये डीएनए सिंथेसिस को इंटरप्ट कर सकती है एंड जो फिटस है उसमें भी अबनॉर्मलिटी कॉज कर सकती है, ठीक है। उसके बाद है फंगल इन्फेक्शन, फंगल इन्फेक्शन के लिए कौन सी ड्रग दी जाती है, सेफ ड्रग है क्लोट्रिमाजोल एंड नाइस्टेटिन, और अनसेफ या कॉन्ट्राइंडिकेट एम्फोटेरिसिन बी, एम्फोटेरिसिन बी इज कॉन्ट्रा इंडिकेटेड फॉर फंगल इन्फेक्शन इन प्रेग्नेंट लेडी, एंड फ्लूकोनाजोल, अजोल वाली ड्रग्स कौन सी होती है, एंटी फंगल ड्रग्स। उसके बाद थायरॉइड, थायरॉइड के अंदर जो सेफ ड्रग है वो है लिवोथायरोक्सिन ड्रग, ठीक है। थायरॉइड, अगर किसी प्रेग्नेंट लेडी को थायरॉइड की प्रॉब्लम है तो वो लिवोथायरोक्सिन ले सकती है, या एम्प्टी स्टमक ली जाती है अर्ली मॉर्निंग के अंदर, तो लिवोथायरोक्सिन वहां पे सेफ ड्रग है। तो ये मैंने सारे की सारी, ऐसे तो बहुत सारी ड्रग्स है अलग अलग कैटेगरी की, तो मैंने यहाँ पे सारी ड्रग मेंशन नहीं करी, जो जो इम्पोर्टेंट मुझे लगे और ज्यादातर जो यूज में होने वाली ड्रग्स थी मैंने उनकी ये लिस्ट बनाई है, आप इसका स्क्रीनशॉट रख सकते हैं। और ये आपके जीपेट व्यू से, गवर्नमेंट अगर कोई फार्मासिस्ट की प्रिपरेशन कर रहा है, ठीक है, या फिर ड्रग कंट्रोलर ऑफिसर डीआई की प्रिपरेशन कर रहा है, उनके लिए काफी इम्पोर्टेंट है, और आपकी बी फॉर्म डिप्लोमा है इन फार्मेसी, उनके लिए एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन में, और एक डायरेक्ट क्वेश्चन भी आता है ड्रग थेरेपी फॉर प्रेगनेंसी, उसमें भी ये ड्रग्स आप इजिली लिख सकते हैं। अब मैंने यहाँ पे सिर्फ लिस्ट दी है, आप इनका वहां पे मैकेनिज्म इन्फेक्शन भी बता सकते हैं लिस्ट बना के, और इनके कुछ कुछ साइड इफेक्ट्स भी लिख सकते हैं। तो ये ड्रग्स ही आपकी, होप्स आपको वीडियो लेक्चर पसंद आया हो, चैनल को लाइक करें, वीडियोज को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियोज का नोटिफिकेशन आपको मिले, एंड कोई भी कंफ्यूजन है कुछ भी है कमेंट में मैसेज कर सकते हैं आप। थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे।